हम जानते हैं बाइबल में हर एक वर्ड, हर एक शब्द, हर एक जो घटना है, इवेंट है, जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, जो जो नाम दिया गया बाइबल में, पहला पन्ना से आखिरी पन्ना, हर एक चीज़ में एक मकसद है, एक खास कारण से वो बाइबल में है। यीशु मसीह परमेश्वर जानबूझकर वो पद या नाम या कुछ भी है, जगह बाइबल में रखा है। उसके अगर आप साधारण रूप से पढ़ लेंगे तो वही मतलब मिलेगा, लेकिन आप उसको अगर गहराई रूप से और खोजी करेगा, उसके बारे में और रिसर्च करेगा, जानने की कोशिश करेगा, बहुत चीज़ मिलेगा आपको सीखने के लिए। और ये कम्युनियन का दिन है, प्रभु भोज का दिन, तो मैं सोचा कि शिमला अकॉर्ड जो कम्युनियन के अलाइन करता है, मुझे ये वचन आया कि इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ, समाप्त हुआ। ये यीशु मसीह का जो आखिरी शब्द था क्रूस पर, इसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं? तो जॉन चैप्टर, आप बाइबल अगर है आपके पास तो यूहन्ना की किताब चैप्टर 19 वर्स 28 से वर्स 30 ले हम पढ़ेंगे। जिसके बाद यीशु ने यह जान कर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ, वहाँ जिसके सिर के से भरा हुआ एक बरदान रखा था, अत उन्होंने सिरके में भीगे हुए संपंच को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। धन्यवाद के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये जो शिक्षा मिलता है, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखलाता है, और जो जिस पर हम ध्यान देते पिता परमेश्वर, कि आप क्रूस पर जो पीड़ा सहा और जो कुछ भी आप किया वो हमारे लिए किया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते। धन्यवाद इस वचन के लिए, और जिसे हम यहाँ पर है ये वचन को स्वीकार करें, और प्रभु यही प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बातचीत करें, और हम ये जो वचन हम सीखेंगे आज उस पर हम अपने जीवन लागू करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी लोग के पर आशीष है, और इस वचन पर यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। ये जो पद है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह उस समय क्रूस पर था, पीड़ा में उसका लहू बहाता था, बहुत बुरी हालत में था, और कई चीज़ हुआ उस समय। लेकिन ये जो विष मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से कि क्या मैं इस संडे को प्रीच करूँ, और ये शब्द आया इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ, जो काम था पूरा हुआ, यीशु मसीह का जो सबसे आखिरी शब्द था, और तुरंत उसके बाद वो अपना प्राण को त्याग दिया, ये बाइबल कहता है। ये जो जो शब्द है इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ, ग्रीक जो ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल भाषा में तेलेओसे ग्रीक में बोलता है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ग्रीक तेलेओसे, वो एक ही शब्द में इट इज़ फिनिश्ड या समाप्त हुआ या पूरा हुआ वो आता है। और ये जो शब्द है उसका सिर्फ ये मीनिंग नहीं कि वो फिनिश हुआ, शायद जो जो चीज़ रहा वो फिनिश हो गया, लेकिन उसमें एक हिस्टोरिक मीनिंग है, उस पर प्रोफेसाई भी, भविष्यवाणी भी हुआ ये जो शब्द। और नए पुराने नियम से लेकर नए नियम में हमारे लिए शायद
मायने नहीं रखते हमारे हमारे लिए एक नॉर्मल सेंटेंस है लेकिन उस समय जो लोग थे वहाँ उनके लिए वो भारी मतलब था ये अगर हम इसको ये सेंटेंस को और गहराई रूप से देखें दो तीन चीज और शायद ज़्यादा और हम सीख सकते हैं लेकिन हम दो तीन चीज इस पर हम ध्यान देंगे पहला है कि जो काम दिया गया था जो मकसद था वो पूरा हुआ कंप्लीट द वर्क इज कंप्लीट उस समय बाइबल के समय जब जो नौकर थे जो वर्कर्स थे लेबा जो अगर आपका बॉस या जो आपका जो सेवा जो आपका देखभाल करता था अगर वो कुछ काम दिया आपको तो उस समय का रिवाज था कि जब जो प्रोजेक्ट या जो काम मिला था अगर वो वंस पूरा हो गया फिनिश कर दिया पूरा जितना करेक्ट रहा तब उनको आकर अपना बॉस के पास या जो मालिक था उसके पास आकर ऐलान करना है कि सब पूरा हुआ कंप्लीट हो गया अब और कुछ नहीं बचा है करने का तो ये उनके लिए एक गहराई मीनिंग था मतलब था उसमें जब वो काम फिनिश कर आता है अपने मालिक के पास और कहता है कि काम पूरा हो गया और इसी तरह जो कलाकार है जो आर्टिस्ट है पेंटर है जो अपना चित्र बनाता है जब वो पूरा रीति से खलास कर देता है उसको समाप्त करता है फिनिश कर देता है और वो संतुष्ट हो जाता है देखकर कि हाँ पूरा कर दिया तो वो ऐलान करता है जिसको शायद लोगों से बताता है कि ये पूरा हुआ इट इज़ फिनिश्ड समाप्त हो गया तो उसके बाद अब उसमें और एक को कुछ जोड़ना नहीं है उसको कुछ मिठाना नहीं है उसमें कुछ और रंग नहीं लगाना है जब वो कह दिया समाप्त वो समाप्त हो गया यीशु मसीह परमेश्वर जब इस सृष्टि को सिर्जा जब वो सब चीज़ कर लिया वो खड़ा कर बोला ये समाप्त हो गया जो कुछ है सब अच्छा हुआ अच्छा बना तो इसी कारण जो इट इज़ फिनिश्ड जो पूरा हुआ उसका ये एक अर्थ कि जो काम जो सौंपा गया था जो काम करना था वो पूरा हो गया कंप्लीट उसमें ना कुछ और जोड़ना है ना कुछ निकालना है इसी तरह यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने कहा मैं एक मकसद से आता हूँ किसी कारण से मैं आया हूँ ऐसे नहीं कि मैं हेवन में बोर्ड था मैं आ गया अर्थ में कुछ करने के लिए लेकिन उसका एक कारण रहने के लिए लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में लूका के पुस्तक में 19 वर्स 10 में कहता है फॉर द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक एंड सेव द लॉस्ट उसका मकसद था इस दुनिया में आने के लिए और जो खोए हुए उनको ढूंढ कर बचाने के लिए उसका यीशु मसीह का यही मकसद था तो जब वो क्रूस पर कहा कि इट इज़ फिनिश्ड ये पूरा हुआ उसका मकसद पूरा हुआ क्योंकि उसके मरने के द्वारा हमें जो उधार मिलता है जो रास्ता मिलता है परमेश्वर के पास जाने के लिए वो क्रूस पर पूरा समाप्त कर दिया पूरा कर दिया उसके अलावा और कुछ करने के ज़रूरी नहीं पड़ा ना ज़रूरत है हमें करने के लिए उसका जो पूरा मकसद था वो पूरा किया और उसने कहा ये पूरा हो गया ये समाप्त हो गया दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि जो बलिदान का पूरा किया गया बलिदान सेक्रीफाइस इज अकम्प्लिश्ड शायद हमारे लिए उतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा लेकिन उस समय जो यहूदी लोग थे उनके लिए और जो ओल्ड टेस्टमेंट से अगर पुराने नियम से अगर आप बाइबल को पढ़ते होगे ध्यान देंगे तो उस समय बलिदान एक बहुत खास चीज़ था बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था परमेश्वर और लोग के रिश्ता जोड़ने के लिए और जब यीशु मसीह क्रूस पर कहा कि ये पूरा हुआ इट इज़ फिनिश्ड जितने यहूदी लोग वहाँ थे उसको देखते थे सुनते थे वे तुरंत जान गया होगा कि ये कौन सी मीन करे कौन सी बोली से हर साल
every our purane niyam mein Israel jo desh tha unke niyam tha unke kanun mein tha parmeshwar ke diya hua kanun ki paap se chutkara paane paap se maafi parmeshwar se lene ke liye har saal day of atonement prayaschit ka din balidan karna hoga ek khaas samay rehta hai day of atonement once a year unko sacrifice karna hai jitna pure israel desh ke paap ke liye to parmeshwar kshama karta hai aur isme kya zaruri hai ek jo memna hai lamb jisme koi kalank nahi koi bimari nahi kuch gadbadi nahi ekdam perfect lamb memna usko bali chadhana hai usko balidan karna hai aur main aur ispe aur gehrai roop se nahi jaunga jo jo balidan ka jo rivaj tha riti ra usko kaise karna tha wo aur samay lagega aur aap jaakar apne research kar lena ya pad lena lekin jo mahayajak tha sirf wo kar sakta tha ye balidan saal mein ek samay aur kya hota hai ki जो मेमना वे लेके आते हैं सेलेक्ट करते हैं सबसे अच्छा मेमना जिसमें कुछ दाग नहीं है कुछ गड़बड़ी नहीं है कमजोरी नहीं है उसको लाकर और जो महायाजक है वो हाथ रखकर और ऐलान करता है एक लक्षण के द्वारा कि पूरा देश इज़राइल का जितना पाप है सब ये मेमना के ऊपर रख दिया जाता है सौंप दिया जाता है जितना पाप देश के साल भर में जितना पाप किए हर एक लोग वो इस मेमना के ऊपर एक लक्षण के द्वारा लाइक अ सिंबल सिंबॉलिक जेस्चर था कि जितने पाप ऑल द सिन इज लेड ऑन द लैम फिर ये जो मेमना है उसको ये महायाजक बलिदान कर देता है और फिर उसका लहू लग जाता है जो सबसे पवित्र स्थान जो होली ऑफ होलीज है वो अंदर में कोई और नहीं जा सकता है सिर्फ महायाजक जब समय रहता है उसको जाने के लिए वहाँ पर ऊपर वो जो लहू है परमेश्वर के प्रति बलि चढ़ाता है और परमेश्वर से वहाँ पर मुलाकात होता है तो ये जो मेमना है ये मेमना तो उसके उसके वो नहीं जानता क्या होता है और उसके कारण से पाप इस जो लोग थे वो पाप किए इससे लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी हर एक जन का पाप इस मेमना लेम के ऊपर रखा जाता है और ये मेमना को बलि चढ़ाया जाता है ये जो लहू परमेश्वर को सौंपा जाता है और वो स्वीकार करता है महायाजक के द्वारा लेकिन जो चीज़ कमी था वो था कि हर साल ये करना पड़ता था ये एकदम परफेक्ट नहीं रहा सब कुछ ना कुछ मिस हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है और इसी कारण परमेश्वर चाहते थे कि ये हर समय हो एवरी ईयर और ढेर बलिदान होता था जगह तरह तरह के बलिदान होता था पाप के लिए और ये हर साल हर समय उनको करना पड़ता था लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर गया ये मेमना के तरह पूरे दुनिया का हर एक जन का जो पहले थे उस समय था और जो आएगा बाद में सबका पाप अपने ऊपर वो एक लक्षण की तरह ले लिया वो अपने आप को बलिदान कर दिया उसका लहू स्वर्ग की ओर पिता परमेश्वर देखा कि वो लहू जिसमें कोई पाप नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं वो लहू परमेश्वर स्वीकार किया यीशु मसीह दो चीज एक साथ किया पहला कि वो मेमना बना
दूसरा कि वो महायाजक अपना लहू परमेश्वर को दिया, स्वीकार किया वो, जिसमें कोई कलंक नहीं, और परमेश्वर ये जो बलिदान देखकर स्वीकार करकर हम सबको माफ कर दिया। यीशु मसीह क्रूस पर जो कुछ किया पूरे रीति से, पूरे रूप से समाप्त कर दिया। इब्रानियों की किताब में यीशु मसीह के बारे में बतलाता है, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12 में, फॉर नॉट विद द ब्लड ऑफ गोट्स एंड काव्स बट विद हिज ओन ब्लड, बकरी और बैलों के लहू से नहीं लेकिन अपना ही लहू से यीशु मसीह प्रवेश किया जो सबसे पवित्र स्थान। एक वंस एंड फॉर, उसके बाद और किसी को मरना नहीं था, और एक को सेक्रीफाइस नहीं नीडेड था, देयर वाज नो नीड फॉर एनी मोर सेक्रीफाइसेस, वंस एंड फॉर ऑल हैविंग ऑब्टेन रिडेम्पशन, अनंत के छुटकारा प्राप्त किया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, किसी चीज का लहू से नहीं लेकिन यीशु मसीह का खुद का लहू। फिर वर्स 26 में, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 26 में, ही देन वुड हैव टू सफर ऑफन सिंस द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बट नाउ वंस एट द एंड ऑफ द एज ही हैज अपीयर्ड टू पुट अवे सिन बाय द सेक्रीफाइस ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप को बलिदान करे के द्वारा वो पाप को हमेशा के लिए हटा दिया, ही हैज पुट अवे सिन फॉर ऑल मैनकाइंड हमेशा के लिए विद द सेक्रीफाइस ऑफ हिमसेल्फ। अपने ऊपर यीशु मसीह पाप लेकर एक मेमना के तरह वो अपने आप को बलिदान कर दिया, ही टुक द सिन ऑफ द वर्ल्ड वंस एंड फॉर ऑल, टुक इट टू द क्रॉस एंड ही सेड इट इज फिनिश, पूरा हुआ, और कुछ जरूरी नहीं है अब, और कुछ मेहनत नहीं करना, वी डोंट हैव टू वर्क फॉर फॉरगिवनेस, वी डोंट हैव टू स्पेंड मनी, वी डोंट हैव टू स्वेट, कुछ खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं है, कुछ हासिल करने के लिए जो माफ़ी, जो जो पाप से क्षमा मिलता है हमें, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हुआ उसे ये बलिदान से। गॉड वॉज प्लीज्ड व्हेन जीसस सेड इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस, ही कंप्लीटेड द सेक्रीफाइस। तीसरा चीज देखते हैं, जो कर्जा था वो पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, द डेट वॉज पेड इन फुल। उस समय जब कुछ खरीदा जाता है, जब आप पेमेंट कर देते हैं, तब रिसीट में लिखा जाता है कि पूरा हो गया, कंप्लीट, पेमेंट इन फुल, पेड इन फुल, इट इज फिनिश्ड। व्हेन यू हैड अ लोन, वंस यू पेड इट ऑफ, and the receipt was it said it is finished, it's paid in full, completed, फिर नहीं कुछ भरना है, पूरा हो गया। हम परमेश्वर से दूर हो गए पाप के कारण, हम कर्ज में हो गए, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जो बलिदान किया उसके द्वारा हमारे जो कर्जा था वो भरा, चुकाए दिया, पूरा complete, paid in full, mortgage free, house free, mortgage free, का फ्री, परमेश्वर ने पूरा भर दिया हमारे लिए, उसने जो दाम चुकाना था वो चुकाया हमारे लिए, फॉर द वेजेस ऑफ सिन वाज डेथ, हमारे जो दंड था वो मृत्यु था, लेकिन यीशु मसीह अपना ऊपर ले लिया और कहा कि जो दंड तुम्हारा था, जो कर्जा तुम्हारा था वो हम पूरा करेगा, ही टुक आवर डेथ, आवर जजमेंट on himself. Hebrews chapter 10 verse 17 or 18 mein kehta hai, jo hamare paap hai, jo kapat hai, wo main kabhi nahi yaad karunga, I will, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Now where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Jab hum
स्वीकार करते यीशु मसीह का जो बलिदान था जो लहू है जब उस पर विश्वास करते और हमें कुछ करना नहीं है पाप से क्षमा के लिए we don't have to do anything else anything more all we have to do is accept the sacrifice of the perfect lamb jesus when we believe on that we have forgiveness of sin we have remission of sin ye aashwasan hamare liye this is the confidence that we have ये सब चीज हम जब साथ में करते हैं जिसे मैंने कहा हमें कुछ और ऐड नहीं करना है उस पर कुछ और जोड़ना नहीं है कुछ हटाना नहीं है कुछ एडजस्ट नहीं करना है वी डोंट हैव टू ऐड टू दैट एवरीथिंग इज डन इट्स कंप्लीट इट इज फिनिश्ड पूरा हो गया यीशु मसीह पिछले हुए काल जो आज है और जो आने लगा काल अनंत अंत तक वो पूरा कर दिया पास्ट प्रेजेंट एंड टू द एंड He's completed it. He's done it. Accomplished it. Nothing more to do except believe. One more thing, one last thing that we see when he said it is finished on the cross. Jab wo cross par kaha ki sab pura ho gaya. Ek cheez hua aur ye ek khaas cheez hai is par dhyan dene ke liye. Jaise wo kaha ki pura hua. Matthew chapter 27 verse 51 में बाइबल कहता है कि तुरंत जो मंदिर में जो वेल था जो पर्दा था जो सबसे पवित्र स्थान जहाँ परमेश्वर निवास करता था और जहाँ और भारेला एरिया जहाँ और बाकी लोग आते थे जो पर्दा था वो फटकर अलग हो गया आमेन The veil that was separating the Holy of Holies and the outer court and the inner court was torn in two from top to bottom. Pure tarah se wo khul gaya. Ye hame batlata hai, siklata hai ki ab koi restrictions nahi hai, koi rukawat nahi hai. There is no restrictions, there is no barrier for us. To enter into God's presence now. कोई रीति रिवाज हमें करना नहीं है कोई कानून नहीं है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर सकता है या रोक सकता है Hebrews chapter 4 verse 16 में कहता है कि let us come therefore boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in time of need and help in time of need. ये उसका आश्वासन है कि क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर कहा कि पूरा हो गया वो पूरा जो चीज़ करना था समाप्त कर दिया वो जो पर्दा था वो फटकर अलग हो गया हमें एक डायरेक्ट रूट मिल जाता है एक रास्ता मिल जाता है परमेश्वर के पास आने के लिए हम आ सकते हैं बिना डर से पूरे हिम्मत लेकर जैसे एक बेटा अपने बाप के पास आता है जहाँ पर हमें अनुग्रह दया मिलता है मदद मिलता है ये परमेश्वर का वचन हमारे पूरा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए जो चीज़ वो किया है वी हैव टू फुली ट्रस्ट ऑन व्हाट ही हैज़ डन व्हाट ही हैज़ अकम्प्लिश्ड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर कुछ और नहीं करना है सब चीज़ वो पूरा कर दिया है सिर्फ हमें उस पर भरोसा करना है और जब अगर हम गहराई रूप से पहचान ले वो हमारे लिए क्या किया तो हम ये जो रिश्ता है उसको एक लाइटली नहीं लेंगे एक खिलवाड़ नहीं लेंगे जो परमेश्वर से रिश्ता हमारे जुड़ा है यीशु मसीह के द्वारा वी हैव सेल्वेशन वी हैव कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्वेशन एंड वी कैन ड्रॉ क्लोज टू गॉड We can pursue Him with whole heart, पूरे मन से पूरे दिल से हम उसको ढूंढ सकते हैं खोजी कर सकते हैं उसके करीब आ सकते हैं हमारे सब पाप क्षमा होता है परमेश्वर के सामने हम धार्मिक कहलाया जाता है
we are made righteous in the sight of God through the blood of Jesus. जब हम यीशु मसीह के लहू चाबुक मानने से क्रूस पर मरने से अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते अगर विश्वास नहीं करते उसको हम खिलवाड़ में लेते तब सचमुच में हमारे जो पाप है जो धार्मिकता हमें मिलता है इसके लहू के द्वारा वो हम नहीं स्वीकार करते हमें हमारे रिश्ता फिर भी परमेश्वर से दूर रहता है इफ वी टेक व्हाट जीसस डिड ऑन द क्रॉस लाइटली देन आवर रिलेशनशिप विद गॉड इज नॉट कंप्लीट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इट्स स्टिल ब्रोकन स्टिल डिस्टेंट until we accept what Christ did on the cross for us until we accept his blood uski lahu ko hum swikar karte hain aur puri tarah se hame maafi milta hai hum dharmik ho jate hain aur aashish milta hai parmeshwar ne विजय पाया इस क्रूस के द्वारा जो दुश्मन है हमारे शैतान वो हराया गया बाइबल कहता है कि वो हमारे पैर के नीचे आवर एनमी इज अंडर आवर फीट इज अ फुटस्टूल बिकॉज ऑफ द फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस द विक्ट्री इज वॉन आवर ब्लेसिंग्स हैव बीन बॉट बाय हिज ब्लड हमारे आशीष यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हमें अपना जीवन ऐसा व्यतीत करना है जैसे यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया कि हम विजयता पाएंगे हम चंगाई पाएंगे हम छुटकारा पाएंगे हम उद्धार पा लिए हमें एक नया जीवन मिल गया है हमें इसी तरह जीना है पूरा काम हो गया हमें और कुछ करना नहीं वी आर टू लिव विक्टोरियस We are healed people, we are redeemed people, we are forgiven people. That is how our life should be. Everything was finished on the cross. Yeshu Masih chahta hai ki hum uske kareeb aaye. Apna rishta ek gehrai roop se uske saath jode. Ek samband, kareebi rishta, niji roop se hum usse jode. To draw closer. He wants us to draw closer to him. Have a close and deep relationship, an intimate relationship with him.